नमस्कार, स्वागत है आपका सिल्क टीवी में। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। शिक्षक के घर डकैती कांड में शामिल अपराधी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। कई संगीन मामलों में थी पुलिस को तलाश। भागलपुर डीआरडीए सभागार में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर में रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी के पुत्र का संदिग्ध अवस्था में शव हुआ बरामद। जांच में जुटी पुलिस। चमकी बुखार से हो रही लगातार बच्चों की मौत को लेकर शहर के सामाजिक संगठन आया आगे। निःशुल्क दवा वितरण कर लोगों को किया आगाह। और मारवाड़ी पाठशाला वित्तीय कमेटी की हुई बैठक। मारवाड़ी महिला प्रभाग निर्माण में लोगों से सहयोग की अपील। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर मारूपचक भगत कॉलोनी में 17 मई को शिक्षक के घर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी सुमित शाह को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि अपराध की घटना को अंजाम देने 3 अपराधी बौसी पुल के समीप एकत्र हुए हैं, जिसके बाद मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर राम इकबाल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी सुमित शाह को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अपराधी के पास से देशी कट्टा जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी रोहित शाह गिरोह का सक्रिय सदस्य है और हाल ही के दिनों में कई अपराध की घटना को अंजाम दिया है। सुमित शाह का आपराधिक इतिहास रहा है और विभिन्न थानों में इसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कल यह गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी गोराडी रोड में बौसी पुल स्थित बजरंग बली मंदिर के पास लूट पाट के उद्देश्य से जमा हो रहे हैं और यह जानकारी मिली थी कि वो लूटपाट की घटना कारित कर सकते हैं। तो इस सूचना पे तत्काल पुलिस निरीक्षक मुजाहिदपुर थाना के राम कुमार प्रसाद यादव और उनकी टीम के द्वारा वहाँ पे गए और वहाँ पे छापेमारी किए। छापेमारी में सुमित शाह और सोनू शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 अंगूठी मिली है। उसे जब अग्रतर पूछताछ की गई तो यह पाया गया कि वो गोराडी थाना कांड संख्या 148/19, जिसमें दिन दहाड़े एक घर में डकैती की गई थी, उसमें भी यह शामिल था और वो आखिरी अभियुक्त था जो कि बचा हुआ था। तो इस तरीके से गोराडी थाना की जो डकैती है उसकी घटना में भी पूर्णतः सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लूट की घटना जो कि कारित हो सकती थी उसको होने से पहले ही अपराधी को गिरफ्तार किया। भागलपुर डीआरडीए सभागार में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डीएम ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण, परिवार कल्याण, कालाजार, टीवी और एम्बुलेंस समेत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बालिकाओं को आयरन की गोली और प्रसव के साथ सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रगति से संबंधित जानकारी ली और जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का निर्देश अधिकारियों एवं स्वास्थ्य प्रभारियों को दिया। बैठक में DDC सुनील कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, ACMO अरुण ओझा, DPRO बिंदुसार मंडल, DIO मनोज चौधरी, DPM फैजान अशरफी, निगार कौसर, डॉक्टर AK मंडल समेत जिले के सभी अस्पताल के प्रभारी, प्रबंधक एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र लालबाग कॉलोनी में 34 वर्षीय युवक का शव घर में संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। मृतक युवक की पहचान रिटायर्ड कृषि अधिकारी रत्न किशोर मिश्रा के पुत्र दिव्य ओंकार के रूप में हुई है। मृतक युवक LPU यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रहा था।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम मृतक युवक की मां ने दिव्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसके बाद मृतक दिव्य के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली रिश्तेदार से बात कर मृतक दिव्य से बात करने की बात कही। वहीं जब रिश्तेदार दिव्य के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद संदेह होने पर आसपास के लोगों ने खिड़की से झाँक कर देखा तो दिव्य का शव सोफे पर पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तिलका मांझी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के विभिन्न अस्पतालों में चमकी बुखार से हो रहे बच्चों की मौत को देखते हुए भागलपुर के सामाजिक संगठन युवा शक्ति के द्वारा शनिवार को शहर के रामसर चौक पर होम्योपैथी दवा वितरण कैंप लगाया गया। कैंप में हरिओम होम्यो के डॉक्टर नीतीश दुबे ने AES वायरस के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को आवश्यक जानकारी दी और निःशुल्क दवा वितरण किया। आम बोलचाल की भाषा में AES वायरस से होने वाली बीमारी को चमकी बुखार कहा जाता है। वहीं शिविर में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और बीमारी होने से पूर्व दवा लेकर इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए सजग दिखे। संगठन के अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में लोगों को चमकी बुखार से बचाव को लेकर कई सुझाव दिए गए और बीमारी से पूर्व दवा लेकर बचाव की बात कही गई। सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका आनंद भगत ने कहा कि चमकी बुखार कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, लेकिन यदि पहले से ही बच्चों को दवा दी जाए तो इससे बचा जा सकता है। इस बारे में बात किए तो वो बोले कि इसकी इलाज होम्योपैथिक में संभव है और जैसे कि हम लोग चेचक होने से पहले दवाई खाते हैं वैसे ही सेम इस दवाई को भी लेना है, कि जरूरी नहीं कि जिसको बीमारी हो वही ले, मतलब एक स्वस्थ बच्चा भी इस दवाई को ले सकता है और प्रिकॉशन के लिए, और फिर उसको चमकी बुखार नहीं होगी। तो नीतीश जी हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों के संगठन के द्वारा ये हम जो दवाई अवेलेबल करवा रहे हैं युवा शक्ति के द्वारा, आप लोग पूरे भागलपुर में इसका वितरण करवाइए। तो हम लोग रामसर चौक में आज स्टार्ट किए, मतलब ये हमारा पहला कैंप है। श्री मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्तीय कमेटी के कार्यकारिणी सभा की बैठक शनिवार को समिति के अध्यक्ष सज्जन किशोर पुरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महासचिव राम गोपाल पोद्दार ने बैठक से संबंधित बिंदुओं और समिति द्वारा मारवाड़ी कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन मारवाड़ी महिला महाविद्यालय भवन के निर्माण से संबंधित जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी। इस दौरान समिति के विगत बैठक में लिए गए फैसलों के कार्रवाई की संपुष्टि, कॉलेज भवन निर्माण के चंदादाताओं को वित्तीय कमेटी में शामिल करने, नामांकन के लिए छात्रों के आवेदन पर विचार करने, समिति के प्रमाण पत्र और बैच का अवलोकन करने, कॉलेज निर्माण में अब तक पूरे हो चुके कार्य और समिति के 108वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम करने पर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी बात रखी। समिति के अध्यक्ष सज्जन किशोर पुरिया ने कहा कि 108 वर्ष पुरानी संस्था की ओर से भागलपुर में मारवाड़ी कॉलेज, मारवाड़ी कन्या पाठशाला समेत कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया गया है और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छात्राओं के लिए मारवाड़ी कॉलेज परिसर में मारवाड़ी महिला प्रभाग का निर्माण कराया जा रहा है। मौके पर शंभु दयाल खेतान, दीपक कुमार भुवानिया, राजेश वर्मा, अशोक भिवानी वाला, रोहित झुंझुनवाला, गिरधारी केजरीवाल समेत काफी संख्या में समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं समाज सेवी मौजूद थे। 2001 में मैंने जब इसका निर्माण, जब मैं अध्यक्ष बना तो इसमें थे 10,000 रामेश्वर यादव कुलपति थे, उन्होंने आग्रह किया कि आप ही लोग की कॉलेज बनाई हुई है जिसमें जब परीक्षा होती है तो कॉलेज बंद कर देना पड़ता है, सीट की जगह नहीं रहती है। तो उनके आग्रह पर फिर मैंने 10,000 और 5,000 या 15,000 स्क्वायर फीट का निर्माण किया। उसके बाद गुरुदेव पोद्दार जो अभी प्रिंसिपल हैं तो पीछे थे, उन्होंने फिर आग्रह किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत ये कॉलेज मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्तीय कमेटी की बनाई हुई है, इसमें आप एक महिला भी बना दीजिए ताकि लड़कियों को हम अलग कर दें तो पढ़ाई भी अच्छी हो। तो उनकी सोच से फिर मैंने आगे अपनी कमेटी में बातचीत कर करके इसकी सहमति ले करके काम को आगे बढ़ाया और काम को आगे बढ़ा करके निर्माण का आज की मीटिंग का क्या पर्पज़ आज की मीटिंग का कि हमारे समाज के लोगों को जगाना है कि इस तरह का निर्माण हो रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।
अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मानसिक तनाव के कारण युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक युवक की पहचान मेहरमा कस्बा निवासी नवल किशोर झा के 28 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार झा के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिट्टू एमए की परीक्षा देकर शुक्रवार की सुबह घर लौटा, जिसके बाद बिट्टू की तबीयत बिगड़ने लगा। हालांकि तबीयत बिगड़ता देख परिजनों ने कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बिट्टू ने परीक्षा खराब जाने के कारण जहरीला पदार्थ सल्फास खाने की बात कही। वहीं इलाज के दौरान शनिवार को बिट्टू की मौत हो गई। पढ़ने का केस है, कस्बा से है, मेहरमा थाना गुड्डा जिला झारखंड से। मैं कल घटना का दिन कल ही है, कल सुबह 4 बजे के आसपास लड़का परीक्षा देके एमए का परीक्षा देके आया है। बिट्टू कुमार झा नाम है जो मृतक है, परीक्षा देकर आया सुबह 4 बजे के आसपास और घर पहुंचा कस्बा। उसके बाद माँ से बोला हम सोने जा रहे हैं, जब उल्टी पुल्टी का ऐसा कुछ हुआ तो माँ बोली कि ये उल्टी कर रहा है, क्या बात है? बोला कि नहीं, हम सल्फास खा लिए हैं, कहे तो परीक्षा मेरी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं बीएड कर चुका था, एमए का परीक्षा फाइनल देके आया। भागलपुर आनंद चिकित्सालय रोड स्थित हॉवी सेंटर में अंगधरा मंजूषा समिति और कला बिंदु द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अभिरुचि नारी शक्ति कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों द्वारा मंजूषा पेंटिंग और क्राफ्ट प्रदर्शनी लगाकर किया गया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार से जोड़ने और लोक कला की बारीकियों को सिखाने के लिए आयोजित किए गए कार्यशाला में शहर के विभिन्न जगहों से आई महिलाएं एवं स्कूली छात्रों ने लोक कला, क्राफ्ट, मूर्तिकला और प्रिंटिंग के बारे में जानकारी ली। प्रशिक्षक रविकांत शर्मा, सानू कुमार और अनिल कुमार ने महिलाओं को अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों से आई महिला एवं छात्रा प्रतिभागी मौजूद थीं। नवगछिया में सैदपुर हाथी चौक से सुकुटिया बाजार तक 69 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान संवेदक के द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारी निर्माण स्थल पर नहीं आते हैं, जिसके कारण संवेदक अपनी मर्जी से सड़क निर्माण करा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, बारिश के समय में सड़क का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में वरमोहत्तर बांध के निर्माण के लिए पूर्व जल संसाधन मंत्री ने स्वीकृति दी थी, लेकिन बांध निर्माण के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीण साकेत बिहारी ने कहा कि अब बाढ़ का समय आने वाला है और जिस तरह से बांध निर्माण का काम शुरू हुआ है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके कारण आधा दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आने का खतरा है और किसान के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ललन जी के आदेश से मनरेगा के आदेश से काम शुरू हुआ, 10.5 लाख का इसका काम हुआ, लेकिन काम संतोषपूर्ण नहीं हुआ था। इसमें यही था, मिट्टी से उस समय काम था मनरेगा से, लेकिन जब तक इसका काम जियो बैग या बोल्डर पिचिंग से नहीं कराया जाएगा, लगभग ये काम 1.5 किलोमीटर यहाँ से बलमतर। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स।
शिक्षक के घर डकैती कांड में शामिल अपराधी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार, कई संगीन मामलों में थी पुलिस को तलाश। भागलपुर डीआरडीए सभागार में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर में रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी के पुत्र का संदिग्ध अवस्था में शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। चमकी बुखार से हो रही लगातार बच्चों की मौत को लेकर शहर के सामाजिक संगठन आया आगे, निशुल्क दवा वितरण कर लोगों को किया आगाह। और मारवाड़ी पाठशाला वित्तीय कमेटी की हुई बैठक, मारवाड़ी महिला प्रभाग निर्माण में लोगों से सहयोग की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।